बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। आज वाकई याद आया हारून रशीद बादशाह, उसकी बीवी जुबैदा। जाहिर है कि हारून रशीद बादशाह भी बड़ा आदिल फरमा रवा गुजरा है और बीवी जुबैदा बड़ी नेक पारसा आबिदा खातून थी। उन्हीं ज़माने में बहलूल नामी एक बुज़ुर्ग थे, हज़रत बहलूल, बड़े मगरूबुल हाल बुज़ुर्ग थे, अल्लाह की मोहब्बत और मस्ती में हमेशा रहते थे। तो असर के बाद का वक़्त था कि हारून रशीद और उसकी बीवी जुबैदा वो ज़रा बाहर महल से निकली टहलने के लिए। तो महल से बाहर निकली, अपने बागीचे में टहल रही हैं, तो आगे एक तरफ देखा कि बहलूल बैठे हैं और बहलूल बैठे मिट्टी के घरौंदे बना रहे हैं, मिट्टी के। जैसे बचपन में हम लोग भी वो पाँव बीच में दे के मिट्टी के ऊपर और जो मिट्टी इकट्ठी करते पाँव निकाल लेते जी घर बन गया, हम लोगों ने भी बनाया। तो लोग बचपन में से बच्चे बनाते हैं, तो वो भी इसी तरह पाँव अंदर दिए हुए हैं, उसकी मिट्टी इकट्ठी करते हैं और उसके पाँव निकालते घर बन जाता है। तो ये कर रहे हैं एज ए बहलूल। तो हारून रशीद बादशाह जो गुजरा तो उसे देखा कि हाँ अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी वालेकुम साहब। हाँ बहलूल मियाँ क्या कर रहे हो? कहा कि घर बना रहा हूँ। अच्छा घर बना रहे हो, अच्छा कितने के हैं? तो कहा कि एक दीनार का एक घर है। अच्छा एक दीनार का है। तो फरमाओ के साथ ही कहने लगे जो ये घर खरीदेगा तो मैं उसके लिए दुआ करूंगा, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में उसको घर देगा। अच्छा, और दुनिया में इसकी एक दीनार कीमत है, लेकिन मैं उसके लिए दुआ करूंगा, अल्लाह ताला जन्नत में उसको घर देगा। तो बहलू हारून रशीद बाद ये हंसने लगे, हंसते हुए आगे चले गए कि मतलब इस वक्त जो है ना अपनी मौज में है ये। हाँ इसको क्या पता, तो ये चले गए। उसके बाद पीछे जुबैदा थी, जुबैदा जब पहुंची उसने अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, हाँ बहलूल क्या कर रहे हैं आप? कहा कि घर बना रहा हूँ। तो अच्छा घर बना रहे हो, और साथ ही कहा कि जो घर लेगा एक खरीदेगा उसको मैं जो है ना वो उसके लिए दुआ करूँगा और जन्नत में अल्लाह उसको महल देगा, इसके बदले वहाँ घर मिलेगा, ये बात की। तो कहा अच्छा कीमत कितनी है? कहा कि एक दीनार। कहा अच्छा, तो जुबैदा ने वो अपनी उसमें पर्स में से निकाल के एक दीनार दे दिया कि लो ये एक दीनार का मेरा घर का तो सौदा करो। कहा ठीक है चले गए। तो बात हंसी की थी गोया के निकल गए। रात को हारून रशीद बादशाह ख्वाब देखता है, ख्वाब उसने क्या देखा कि वो आखरत में है और वो गुजर रहा है, तो उसके बड़े बड़े महलात बने हुए थे, एक महल के ऊपर साइन बोर्ड लगा हुआ है जुबैदा के नाम का कि ये जुबैदा का घर है। तो बड़ा हसीनो जमील आलिशान महल। तो ये सोचने का अच्छा चल जुबैदा तो खैर मेरी बीवी है, तो चलो इसका इसने ये कब खरीदा, कब मिला उसको घर, चलो मैं अंदर चल के देखता हूँ। तो जब गया दरवाजे पे तो वहाँ दरबान खड़ा, कहा नहीं भाई कौन सा है आप? कहा भाई हम देखना चाहते हैं ये। कहता नहीं जिसका है वो यहाँ एंटर हो सकता है, आपको इजाज़त नहीं। कहा भाई वो मेरी बीवी है। कहते कुछ भी है तो मैं इजाज़त नहीं है, जिसकी है मालिक ही आएगा अंदर। ये क्या को रोका, तो जैसे रोका तो उसकी आँख खुल गई, बड़ा परेशान हुआ कि यार ये क्या मामला है। तो जुबैदा तो अकलमंद निकली, वो कल जो मामला तो उसे एक दीनार दे दिया था, तो वाकई उसको मैंने महल देखा, उसका घर देखा। अब जब शाम हुई तो सोचा कि फिर चहलकदमी के निकला, तो समझ गया कि बहलूल फिर कहीं बैठा होगा, आज मैं सौदा करूंगा। अब वो जब गए तो वाकई बहलूल बैठे थे, उसे पाँव में रख के घर बना रहे मिट्टी के। तो हारून रशीद ने अस्सलाम वालेकुम वाईसलाम, हाँ बहलूल भी आज क्या कर रहे हो? कहा कि घर बना रहा हूँ, आज जो लेगा दुआ करूँगा और जन्नत में अल्लाह उसको महल देंगे। तो उन्होंने कहा हाँ चलो ठीक है, मैं भी तैयार हूँ लेने के लिए, तो बताओ क्या कीमत है? तो कहने लगे पूरी पूरी दुनिया की हुकूमत इसकी कीमत है, पूरी दुनिया की बादशाही इसकी कीमत है। अच्छा, तो उससे कहा दुनिया की बादशाही? मेरी तो दुनिया की बादशाही है भी नहीं, मेरी तो अपनी बगदाद की बादशाही है, तो बस पूरी दुनिया की बादशाही मैं कहाँ से लाऊं? और कल तो तुम एक दीनार में दे रहे थे, बिल्कुल, और आज तुमने इतनी कीमत बढ़ा दी। अब हज़रत बहलूल ने पते की बात की कि जिस बहलूल के बहलूल को दीवाना कहते थे, वो दीवाना नहीं वो फरजाना था। बहलूल ने कहा कि बिन देखे का सौदा था तो एक दीनार में मिल रहा था, देखे का सौदा महंगा हो जाता है। अल्लाह अकबर, ये बात कही तो बादशाह तड़प गया कि यार अल्लाह अकबर, ये अल्लाह तबारक व तआला ने सारी चीज़ें मुनकशिफ कर दी कि कल बिन देखे का सौदा था तो जनाब एक दीनार में मिल रहा था, आज देखे का सौदा है क्योंकि रात ख्वाब में देख के आ चुका है ना, बिल्कुल आपका पूरी दुनिया की बात है। तो बात असल में ये है कि बिन देखे अल्लाह अल्लाह के रसूल की बात को मान लेना कमाल ये होता है। इसलिए ईमान बिल गैब जो है ना ये बड़ी दौलत है। पता चला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि ये करो, अब उसके ऊपर फलसफे लॉजिक्स मुशाहदे पता करने लग जाता आदमी,
آپ مشاہدہ ہو گیا، پتہ لگ گیا، آج ڈاکٹرز نے کہہ دیا کہ جی بسم اللہ پڑھ کے دم کرے پانی پہ تو اس کے اندر واقعی تبدیلی آ جاتی ہے، اس میں بڑے فوائد ہیں، ہیں، اور زمزم کے اندر یہ کمالات ہیں، میڈیکل سائنس کہتی ہے. اب آدمی بڑھ بڑھ کے پیتا تو اب وہ مزہ نہیں ہے، مزہ تو نبی نے جب ایک چیز بتا دیا کہ شان والی ہے تو نبی کے کہنے پہ اس کو شان والی سمجھنا، یہ ہے وہ بن دیکھے کا سودا، سبحان اللہ، اس پہ اللہ نوازتے ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ آج بھی اگر کوئی مسلح، کوئی پیر و مرشد، کوئی شیخ، کوئی مہم درد آپ کو ایک بات کہے تو بس اس کو جو ہے دل و جان سے لے لو، زیادہ دلائل اور لاجکس کے اندر نہ پڑو، کیونکہ بن دیکھے پر اللہ جو عطا کرتا ہے وہ دیکھے پہ نہیں ملتا. بہت شکریہ، ماشاءاللہ، بہت زبردست. جی واقعی ناظرین، بہت ہی زبردست حضرت نے نصیحت فرمائی، خاص کر یہ اس قصے کے نتیجے میں.